भारत विच धर्म परिवर्तन का मुद्दा अजकल काफ़ी जोर फड़दा दिखाई दे रहा है। इसे हवाले नाल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक दरखास्त ते सुनवाई करदिया धर्म परिवर्तन को काबू हेठ रखण लई कोई कदम चुकण तो सख्त जवाब दे दिता है। सुप्रीम कोर्ट कोल पटीशन पाउण वाले वल्लों अजिहे कानूनां दा खरड़ा तैयार करन दी मंग कीती गई जिस विच वख-वख तरीकियां द्वारा किए जा रहे प्रचार नाल हो रहे धर्म परिवर्तन नूं नियमित किया जा सके। नाल ही पटीशनर वल्लों खुद नूं अजिहे कानून कमिशन विच शामिल करन लई बेनती भी की गई। पटीशनर दा कहना सी कि यह सब लोक भलाई लई है, इसे लई यह पबलिक इंटरस्ट लिटीगेशन अदालत विच दायर की गई है, जिस दे जवाब विच जज साहबान आर एस नरीमन ने पटीशन दे इरादियां ते शक जताउंदियां कहा कि यह पबलिक इंटरस्ट लिटीगेशन नहीं बल्कि पबलिसिटी इंटरस्ट लिटीगेशन है। अजिहा कोई कारण नहीं है कि 18 साल तो उपर दे किसी भी नागरिक नूं कोई धर्म नूं मन्नण तो रोकिया जावे ते इंज सख्त शब्दां नाल अदालत ने यह पटीशन रद्द कर दित्ती। जिक्रयोग है कि कुछ दिन पहला ही हरियाणा के मुख्य मंत्री ने केंद्रीय बीजेपी आगू नाल मीटिंग तो बाद जबरी धर्म परिवर्तन विरुद्ध कानून लियाउण दी गल कही सी। बीजेपी दे ही हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे नूं समर्पित बजरंग दल वल्लों पिछले महीने दो ईसाई नना नूं जबरी धर्म परिवर्तन दे इल्जामां हेठ रेलगड्डी तो उतरन लई भी मजबूर कीता सी, जदके पुलिस हिरासत विच अजिहा कोई दोष साबित ना होण कारण उन्हां नूं छड्ड दित्ता गया सी। जबरी धर्म परिवर्तन दे नाम हेठ हिंदू राष्ट्रवादियों वालों घट गिणतियां नूं लगातार निशाने ते लियांदा जा रहा है, पर जदों बहुगिणती हिंदू भाईचारे विच कोई धर्म बदली करन दे प्रोग्राम उलीके जांदे हन तां इस नूं घर वापसी दा नाम दे के प्रचारिया जांदा है। इहो जिहे माहौल विच इह समझणा बहुत सौखा है कि जेकर धर्म तब्दीली संबंधी कानून लियांदे भी जाणगे तां इह अजिहे ही दोगले मापदंडां ते आधारित होणगे जिस नाल घट गिणती धर्मां विरुद्ध नफरत का वातावरण सिरजिया जाएगा।